उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नया भू कानून लाने जा रहे हैं। इससे पहले धामी ने बिहारी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों की जांच भी की है। उन्होंने कहा है कि जिन परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड में भूमि खरीदी गई थी, कई जगह उन परियोजनाओं में नियम का उल्लंघन हो रहा है। इसके जरिए उस पर भी नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के लामाचौड़ पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लाने वाली है। वर्तमान में सरकार ने बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके संज्ञान में यह भी आया है कि जिन परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड में भूमि खरीदी गई थी, कई जगह उन परियोजनाओं के नाम पर नियम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में उनके द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी सभी भूमि जो नियम संगत नहीं है और नियम कानून का उल्लंघन कर रही है, उन जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जाए। प्रदेश के अंदर लंबे समय से एक सख्त भू कानून की आवश्यकता लोगों के द्वारा अनेक अनेक बार व्यक्त की गई है, और हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक जो भू कानून लागू है, जो प्रावधान किए गए हैं भूमि खरीद फरोख्त के, उन प्रावधानों का भी जिन्होंने उल्लंघन किया है या उनका पालन नहीं किया है, जिस प्रयोजन से जो भूमि खरीदी गई है उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी सभी प्रकार की भूमियां अभी तत्काल ही जो है उस पर जाँच के आदेश कर दिए गए हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।